हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बताना चाहता हूँ श्री अजमेर व्यापारी महासंघ जो कि कई महीनों से यूजर चार्जर के विरोध में हर बाजार में धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। और ये श्री अजमेर व्यापारी महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा किसी राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कल हमारे महासंघ के गांधी बाजार व्यापारियों के एसोसिएशन के व्यापारियों के पास नगर निगम वाले आए और दुकानदारों से 250 रुपये की मांग करी, तो व्यापारियों ने कहा हम नहीं देते, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारा वाकई विरोध प्रदर्शन जारी है और नगर निगम के कर्मचारी या वहाँ के अधिकारी जबरदस्ती दुकानदारों को डरा रहे, धमका रहे हैं। उस विषय में हमने आज गांधी भवन में एक मीटिंग रखी है और हमने यह निर्णय लिया है कि अगर हम देखते हैं, हम कलेक्टर साहब को पहले एक बार और ज्ञापन देंगे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको, दोनों विधायक को, यहाँ के सांसद को, प्रधानमंत्री महोदय को श्री अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से एक ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगले साल नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें व्यापारी अपनी एकता दिखाते हुए हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे व्यापारी अजमेर में करीब 4 लाख व्यापारी होंगे, एक भी व्यापारी किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, इसका निर्णय दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे व्यापारियों के साथ कोई नहीं उतरा तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और सीधा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।